तो गाइस घूमते घूमते हम आ गए हैं यहाँ, और ये जगह है सेंटर की तरफ हम जा रहे हैं ना। सो अभी हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, और ये सामने मैकडोनल्ड भी है। भाई को दिखाएंगे, गौतम भाई वहीं से। हाँ सो ये भाई है हमारे, गौतम भाई आप देख लो खास तौर पे, ये भाई है हमारे नागपुर साहब का नाम क्या? आदित्य दुधेकर। अच्छा ये आदित्य दुधेकर जी हैं। अरे रुक जा भाई, और मैं आपको बताया था मेरा चैनल है यूट्यूब पे इंडियन लाइफ एंड लेसन स्टाइल, शायद आपने देखा हो यूट्यूब पर, अगर कभी देखा हो नहीं देखा हो अब देख रहे हैं ना, अब तो वैसे भी आप ब्लॉग में आ रहे हो। तो नागपुर से हैं स्पेशल, जैसे गौतम भाई नागपुर से हैं तो हमने देख लिया है मराठी बॉय अपना। तो अभी हम लोग इसमें यश करोला में घूम रहे हैं, जो हम काम से आए हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है? अभी बाद में बात करते हैं। सो ये हमारा भाई था आदित्य। अरे रुक जा भाई, गिम्बल तुम ही लोग कह रहे थे गिम्बल ले, लेकिन मैं रुकता रहा नहीं, इधर से उधर भागने लग रहा है। अच्छा मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, तो मैं बता देता हूँ ये भाई था हमारे आदित्य। थैंक यू आदित्य, आपने मुझे टाइम दिया, हमें रुक के हमसे बात करी जिस बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। और आदित्य के लिए लाइक, बहुत बढ़िया लड़का, एकदम बात करने में बहुत अच्छा लगा मुझे। नागपुर से था मैकडी, जो सबसे बुरा लगता है मुझे मैकडोनल्ड, क्योंकि खाने को कुछ मिलता नहीं, आप लोगों को पता है मैं वेजिटेरियन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेंटर, मैंने सोचा कि सेंटर में आपको दिखा देते हैं सेंटर में क्या क्या है, और ये पीछे की रोड और आगे की रोड है, ठीक है ना, चलते हैं आगे फिर। सो गाइज ये है सेंटर का एंटर, अरे वाह ये है सेंटर का एंटर। सो यहाँ सेंटर में हम जा रहे हैं, रात में तो और भी सुंदर लगता होगा नहीं, और बहुत ही प्यारा है जंगल पार्क। ये ट्रेन है, और ट्रेन की आवाज ऐसी थी ट्रैक्टर दा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज ट्रैक्टर, लुक लाइक ट्रेन, 100 रूबल। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये है सामने का, ये अंदर कहाँ जा रहे हैं, यही तो अंदर है, ये झूला भी लगा हुआ है यहाँ पे, इधर बैठते हैं। हाँ चलो अष्टोत्तम प्रयामा, हाँ प्रयाम है तो वो क्रे मिलता है। हाँ इंडियन मगजीन था। सो गाइज ये है वो घंटी जो इटली में है और यहाँ पे है, इसके अंदर से कुछ घोड़े वोड़े से निकलते हैं, और कब निकलते हैं, कितने बजे निकलते हैं? हर एक घंटे बाद। हर एक घंटे बाद, यार हर घंटे बाद यानी कि आधे घंटे बाद हमें यहाँ आना पड़े, जिस टाइम वो आवर होगा ना, अमेजिंग। हम अभी आपको दिखाने वाले हैं वो जो भी बैल आएगी ना घोड़े से भगे हुए आएंगे, इटली का मजा तो हमें रशिया में दे देंगे हम तुम्हें। तुम्हें इटली जाने का भी जरूरत नहीं है, मैं जिस जो कंट्रियाँ यहाँ होता होगा वो सब दिखा दूंगा। अभी और भी लोग यहाँ आ चुके हैं, इधर भी लोग खड़े हैं, देख रहे हो, वो स्पेशल इसी के लिए आए हैं, बस एक बजने में कुछ सेकंड जा रहे हैं, रेडी। अरे हो गए चालू, एक बज गया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 भाई वहाँ तो चली नहीं गाड़ी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे को नाराज नहीं करना था, मैं घोड़ा बन गया और उसको चला दिया तुम्हारी गाड़ी, ठीक है? एक बज गया है, मैं बता रहा हूँ टाइम हो रहा, एक बज गया, ठीक है, टाइम एक बज गया है। कैमरामैन आशीष के साथ आकाश शर्मा, इंडियन लाइफ एंड नेचुरल स्टाइल, सब्सक्राइब करो चैनल। कौन कहता है मोदी जी फेमस नहीं है, है? रशिया में, रशिया के ऐसे शहर में भी आके, जो दिखा देता हूँ, रशिया में आके मोदी का मॉल है, मॉल नहीं है, मोदी का शॉप है, क्या है? ध्यान से देखो भाई और बहन, वहाँ ध्यान से ये पढ़ लो क्या लिखा है, मोदीज, ठीक है ना, मोदी रकम, मोदी सही से पढ़ लो। सो गाइज ये है इटली आ गए हम, कौन से कंट्री आ गए, ये दूसरे कंट्री आ गए। अरे एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये है छोटा क्रेमल, देख रहे हो, बहुत ही सुंदर। अभी हम जाएंगे पास में, और अभी मैंने भाई रख दिया गिम्बल वापस अंदर, अब उसको बाद में निकालूंगा, मेरे पास बैटरी नहीं है, मुझे जाना भी है, आज के लिए चेकिंग था, लेकिन फिर भी अभी आगे यूज़ करूँगा। अभी जा रहे हैं हम आगे किनारे पे, नदी किनारे, समुद्र किनारे, वहाँ से आए थे स्कूल से, और ये है नदी का नज़ारा, जैसा आपने मेरी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, नहीं देखा तो माई बटन में दे दूँगा। कम लोग हैं लेकिन बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है।
पे हमने जूस और चिप्स वगैरह खाया और हम जा रहे हैं वापस आगे घूमने के लिए। सो अभी जा रहे हैं हम आगे। अब रुक जा भाई आप लोगों की वजह से लिया मैंने गिम्बल और ये गिम्बल ने मेरा खून पी लिया। कभी इधर भागता कभी उधर भागता है। थोड़ा सा टाइम और दे दो बस। आज मेरा पहला वक्त है ये व्लॉगिंग करने का, तो कम से कम वो शेक ही तो नहीं होगा, वो वाला शेक ही नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो होगा, मतलब कि ये जो इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये चीज़ हो सकती है। सो ये तुम मैनेज कर लो। थोड़ा सा घूम रहे हैं, प्यास लग रही है बहुत देर से। अभी तो मैकडॉनल्ड में वो पिया था शेक आइस कॉफ़ी, अब देखते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो जो आप लोग निखिल का व्लॉग देखते हो, मुंबई का निखिल, वो कई बार बोलता है कि अभी मैंने 5 कोल्ड ड्रिंक पी ली, अभी मैंने 5 ये पी ली, अभी मैंने 10 ये पी ली, 6 ये पी ली। अब कौन कैसे पी सकता है यार, इतना झूठ बोलता है यार वो। तो बात कहता है कौन 5-6 पी सकता है। मैंने अभी कोकोनट वाटर पी लिया है, सीधे 5 बॉटल्स। हाउ सो आगे पीछे तो गाइज ये है योश करोला का एक बेहतरीन चीज, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही सुंदर। ऐतिश तो तमसियो इस दानी है थे। गाइस ये देखो जी, ओ वो इतने वापसी दुर्गे भी इतना की देते मैं दुर्गे में से गुलिया हैं। भाई अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो कम से कम एक लाइक तो दे दो है, और लाइक दे के फिर सब्सक्राइब भी कर दो, तो मैं भी खुश आप भी खुश और हम सब खुश, तो फिर गिम्बल वाले बाबा भी खुश। बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोग अगर आओ तो अल्ताई माउंटेन तो जाओ जाओ जिसकी इच्छा है, लेकिन यहाँ ज़रूर आओ। ये छोटा सा शहर है ना, आप देख के बोलोगे कि क्या सुंदर जगह है। ये जिस जगह मैं देख रहा हूँ ना अपनी नज़रों से, ये आप लोग नहीं देख सकते, ये सिर्फ मैं दिखा सकता हूँ। अभी मैं और पास जा रहा हूँ, कोई पेंटर की वो थी, और ये बिल्डिंग्स जो हैं सब और बन रही हैं। ईश्वर नो वी आर नीड देयर्स द, यहाँ पे फाउंटेन लगा रखा बहुत ही प्यारा, बच्चे उसमें हाथ दे रहे हैं। पुष्किन यहाँ स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं। कबूतरों को चेक कर रहे थे लेकिन वो उड़ गए। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो और भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ पे। मेन जो है ये है,
गाइज अगर आप लोग आ रहे हो तो एक बार तो आपको नया बनता है। देख रहे हो ये सब प्राइवेट ऑफिस है, इसमें बोटिंग भी हो रही है। ओके और ये देख रहे हो ये जितने भी हैं, सो गाइज ये है ट्रेन, मैं सबसे पहले आ गया हूँ और अब की बार ये मेरी सीट है और नीचे वाला मेरा बर्थ है। बहुत ही सुंदर ट्रेन, एकदम साफ सुथरी, एसी वाली, एयर कंडीशनर, विंडो एकदम क्लोज। सो अब लेते हैं मजे। आज का सफ़र बहुत अच्छा था, थकाने वाला था, बहुत थक गए, जिस काम से आया था वो काम भी हो गया ऑलमोस्ट, आगे जो होगा तुम बता देंगे आपको। भाई समय हो गया 9 बज गए लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है यार, उसके खाली एकदम पीछे भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। ठीक मेरे पीछे एक मम्मी है, उनकी छोटी बेटी है और यहाँ पर कह रहा हूँ आज के घूमने में कितना काला हो गया एकदम टेनिंग में। अभी मेरे पास टीटी आया था एक्चुअली, इसी ट्रेन में मैं सुबह आया था, इसी ट्रेन से जा रहा हूँ। और अभी जो टीटी है, एक हर बॉक्स का एक अलग टीटी होता है और वो भी मुझसे पूछने आया था, रेटिंग लिखने वाले के लिए आया था। मैंने बोला भाई मुझे रिजर्वेशन लिखने में टाइम लगेगा तो तुम लिख दो, बाद में मैं सिग्नेचर कर दूँगा, अपना नाम लिख दूँगा। मैं उनका बेस्ट जो ट्रैवलर हो गया क्योंकि सुबह भी आया, अब शाम को भी जा रहा हूँ सेम उसी ट्रेन से। फिर देखते हैं, अभी जाते हैं, फिर अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दस।